अब तक आपने देखा काव्या को घर पे आने में देर हो जाती है पर नंदिनी सब संभाल लेती है। नंदिनी काव्या और मिष्टी के बीच फूट डाल देती है। कॉलेज ट्रिप पे एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच होता है जिसमें सार्थक का परफॉर्मेंस देख आदि परेशान हो जाता है। क्या कर रहा है तू? बॉल क्यों नहीं पास कर रहा तू? क्यों, गोल सिर्फ तू ही कर सकता है क्या? घर पे नंदिनी जानबूझकर प्रकाश का हांगकांग से लाया हुआ महंगा वास तोड़ देती है। ट्रिप पे आदि के सामने सार्थक अंजलि को भला बुरा सुनाता है। घिन आ रही है मुझे तुम पे अंजलि, क्योंकि तुम प्यार में पड़ नहीं रही हो, प्यार में गिर रही हो। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कौन हो मुझे ऐसे जज करने वाले, मेरे प्यार पे सवाल करने वाले? तुमने मुझ पे उंगली उठाई, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई? तुम्हें लगता है कि मैं भी उन लड़कियों की तरह? बोलो, छी, तुम्हें लगता है मैं आदि के साथ उसके पैसों के लिए हूं? जवाब दो। You know what? अंजलि, अंजलि कॉल इस चोट आई है। अंजलि, अंजलि गेट अप, इसे मेडिकल टीम के पास लेके जाना हो। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सर, सर प्लीज चेक करिए, सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं चेकअप करता हूँ, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए, जब तक आप लोग बाहर नहीं जाते मैं ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता। पर डॉक्टर, अली प्लीज बात मानो, मैं यहाँ रुकती हूँ। डॉक्टर प्लीज मुझे यहाँ रुकने दीजिए। मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, वो सिर्फ कह रहे थे कि आप मुझे वो के खुराना केस, वो केस मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता जितनी वो बात रखती है जो अभी नीचे हुई। प्रकाश ने बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो आवाज तुमसे गिरा। देखा मैंने। वो मम्मा, मैं डैड को बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में रानी माँ ने। आई नो नंदन, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया ताकि तुम भी उसे जान जाओ और उसकी सिंप्लिसिटी को कभी भी स्टुपिडिटी ना समझो। उसकी आदत है, वो सबको मुसीबतों से बचाना चाहती है, इसलिए खुद ही मुसीबत में पड़ जाती है। कोई उसे कितना भी समझाए, अपनों के आगे वो अपनी भी परवाह नहीं करती। मुझसे तो बहुत डिफरेंट है, मैं तो किसी के आगे नहीं झुकती, और वो बात बात पे झुक जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे रिश्ते सिर्फ निभाने ही नहीं, बचाने भी आते हैं। एंड आई होप दैट तुम उससे ये सब सीख लोगी। जी मामा, जरूर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे क्या दे क्यों रही हो वाली। अरे अब
मेरे आने के बाद इस घर में रिश्ते बचेंगे ही कहां, जो कोई उसे बचाएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं बस जा रही थी। यार आदि, ये सब हुआ कैसे? मुझसे नहीं, ये सार्थक से पूछ। क्योंकि जो हुआ है ना, इसी की वजह से हुआ है। निकल गए दिल की भड़ास? या अब भी कुछ बाकी है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मुंह मत लग मेरे। अबे तेरे मुंह लगना भी कौन चाहता है? देख ले तुझे आज, तू ना दोस्ती करने के लायक है ना ही दोस्ती निभाने के। अरे दोस्ती छोड़, तू भाई होके भाई का नहीं है। मेरे लिए तेरे दिल में इतनी नफरत है, इतना जहर भरा तेरे अंदर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू अंजलि के सामने मेरे बारे में इतनी गिरी हुई बात करेगा। हाँ तो तू तो है ही ऐसा ही है। झूठ क्या कहा मैंने? सही तो बोला। ठीक है, सही कहा है तूने। तो एक सही बात और सुन ले। आस्तीन का सांप है तू, जो तुझे पाल रहा है ना, तू उसी को। हाँ बोल, चुप क्यों हो गया? बोल। तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। मैं, मेरे माँ पापा, मेरे मैंने उनका नाम नहीं लिया है। समझदार को इशारा काफी होता है। और इशारा ही क्यों? तुम लोगों ने तो बात पे मेरे माँ पापा की इज्जत उतारा है। चाहे वो दादी की बातें हों, डैडी के ताने हों, ये सभी चीजें मेरे माँ पापा को एक थप्पड़ की तरह पड़ी। तो जब तुम लोग हमारे लिए अपने दिल से जहर उगल सकते हो, तो मैं तेरे लिए जहर पाल रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? और अभी तूने ही बोला कि मैं तो आस्तीन का सांप हूं, तो जहर तो मुझ में होगा ही। और अब तू देख कि मैं तेरी जिंदगी में जहर कैसे खोलूंगा। एक बार अंजलि को होश में आने दे बस। सार्थक, अंजलि को होश आ गया है और तुम लोगों की आवाजें अंदर तक जा रही है। सो प्लीज स्टॉप फाइटिंग। सार्थक, तुम नहीं, अंजलि को सिर्फ आदि से मिलना है। We'll be right back.
अंजलि तुम ठीक हो? बहुत चोट आई है तुम्हें। ये चोट तो फिर भी ठीक हो जाएगी सार्थक, पर उस चोट का क्या जो एक दोस्त बनकर तुमने मुझे दी है? आदि प्लीज मुझे यहां से ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। बिना ब्रेक की गाड़ी। अरे बताओ ना, प्लीज 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 बताओ। नहीं बताओ। नहीं देखना है, रुक दिखाते हो। दिखाओ। रुकना, लाओ दिखाओ दिखाओ। काव्य काव्य देखो, आज तो मैंने सिचुएशन संभाल ली। मिस्टी अकेले ये सब नहीं संभाल पाती, बच्ची है ना वो, और वानी मामा के काफी क्लोज भी। मुझे लगता है कि वो वानी मामा से ज्यादा दिन तक ये बातें छुपा नहीं पाएगी। मेरी मानो उससे ज्यादातर बातें शेयर मत किया करो। मिस्टी तू छोड़ नहीं ये सब। अरे दिखाओ ना। मिस्टी बिना पूछे मेरे फोन को हाथ मत लगाए कर, मुझे पसंद नहीं है। अरे पर आप ही ने तो कहा था। पर भर कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं करना तुझे, जाओ और जाकर होमवर्क कर ले। बैग लेकर क्या जा भी। कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं आदि, तुमने तो सुपरमैन बन के सब कुछ कर दिया ना, अब तुम जाओ। नहीं, मैं अंजलि को ऐसे अकेले कैसे छोड़ दूं? I want to make sure she's fine. I'll be fine. हाँ, अब तुम और टिके तो नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि तुम जाओगे तो वो आराम कर पाएगी ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, अपना ख्याल रखो अंजलि। से तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। ध्यान रखना अंजलि। मीता प्लीज अंजलि का ख्याल रखना। भाभी भी जंप करने वाला है। ये देखो 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 क्या? Oh shit, too good यार, seriously too good. भाभी मैं बोल रही हूँ बहुत फनी है। क्या देख रहे हो काव्या जी? मुझे भी देखना है, दिखाना। मिष्टी बच्चों की चीज नहीं है, तू बैठ ना अभी। क्यों नहीं है? अब
पर मुझे भी देखना है ना, प्लीज। चाट खा लो चाट, फलों वाली चाट कौन खाएगा? वाव चाट, चाट सुन के मुंह में पानी आ गया। हाँ बाबा ले, काव्या ये ले। भाभी ये लो। भाभी देखो वो देखो। क्या देख रहे हो तुम लोग? माँ बहुत फनी वीडियो है। मिष्टी मना किया है ना? भाभी ये देखो। मम्मी देखो ना, काव्या दीदी मुझे वीडियो दिखाई नहीं रही है। अच्छा बाबा थोड़ा सबर कर ले, ये देखने के बाद ना काव्या दीदी तेरे साथ खेलेगी, ठीक है? लो हो गया खत्म। देखा? अरे भाभी नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। सच में? मैं बोल रही हूँ ना। अरे शो ना। क्या हो रहा है आदि? क्यों अंजलि की तरफ इतना खिंचा जा रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या यही वो स्पेशल फीलिंग है जिसके बारे में वो सार्थक बता रहा था कि लाइफ में किसी एक स्पेशल के आ जाने के बाद किसी और की तलाश नहीं रहती? पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। जब कोई आपकी सोच में नहीं रहता बल्कि खुद आपकी सोच बन जाता है और फिर सडनली ये ब्लैक एंड व्हाइट आंखों में कलरफुल सपने आ जाते हैं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमान जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। उसका हाथ, उसका हाथ फिर आपके हाथों में ऐसे फिट होता है जैसे मानो वो आप ही के लिए बना हो। नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। हाथी बेटा तू तो गया, आर यू इन लव? यस आई एम मैडली एंड डीपली इन लव। जल्द से जल्द अंजलि को जाके बताना होगा, सब कुछ बताना होगा उसे और सब कुछ सच बताना होगा कि कैसे ये सब एक सिली सी पेट से शुरू हुआ था लेकिन आज यहां तक। आई लव यू अंजलि, आई लव यू एंड आई डोंट थिंक I can live without you. अब ये कोई मजाक नहीं रहा, this is all serious now. और ये बात मुझे सार्थक को बतानी हो। शायद उसे लग रहा है कि मैं अंजलि के साथ टाइम पास कर रहा हूँ इसलिए वो ऐसे। But no dude, I'm in love with her. I really love अंजलि।